टमाटर गोश्त देखिए हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। हमने हमारे बर्तन में देखिए ऑयल डाल दिया है और ये गरम होने लगा है। अब हम इसमें ये जो अच्छे गरम मसाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे और प्याज भी इस तरह से डालेंगे हम अच्छी तरह से। हम इसे गोल्डन रंग आने तक पका लेंगे। देखिए अच्छे से हम इसे गोल्डन हल्का गुलाबी रंग आने तक पका लेंगे एकदम अच्छी तरह से। देखिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम इसे करेंगे। अच्छी तरह से हो चुकी हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मसालों के साथ में इस तरह से भून लेंगे और इसमें हम हल्दी और नमक ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त हमारा जो है ये हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे भी हम मसालों के साथ में भून लेंगे अच्छे से। देखिए बहुत ही आसान है ये इसका बनाने का तरीका और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है ये। देखिए आप चाहें तो कुकर में भी गला सकते हो। अब हम इस बर्तन में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कवर लगा देंगे हमारे गोश्त गलने तक। आप चाहें तो कुकर में इसे 5 सीटियों तक गला सकते हो। देखिए अच्छे से मसालों के साथ में हमने इसे मिक्स कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने डाल दिया है। अब हम कवर लगा के इसे गलने तक गोश्त गलने तक हम इसे पका लेंगे। अगर आप चाहें तो आप कुकर में भी 5 सीटियों तक गला सकते हो। हम इस तरह से खुले बर्तन में गला रहे हैं। आप चाहें तो कुकर में भी इसे 5 सीटियों तक गला सकते हो। अब हमारे गोश्त हम चेक करते हैं। देखिए अच्छी तरह से ये गल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें पाउडर मसाले हमारे धनिया लाल मिर्च पाउडर ये डालेंगे। अच्छे से इसे हम मसाले में शामिल कर देंगे इस तरह से। अच्छे से हम भून लेंगे इसे। साथ ही साथ हम जो है आलू जो हमने रखा है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले हमने डाल दिए हैं अब आलू भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इस तरह से टमाटे हमने देखिए कट करके रखे हैं ये हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मसालों के साथ में इसे अच्छे से देखिए भून लेंगे हम बहुत ही अच्छे से 2 मिनटों तक अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए हमने आलू टमाटर गोश्त के साथ में भून लिया है। अच्छी तरह से हमने 2 मिनटों तक इसे भूना है। देखिए इस तरह से अच्छे से ये भुना जा चुका है। अब हम इसे ज़रूरत के हिसाब से जितना आप चाहे ग्रेवी उस हिसाब से आप पानी डालें। हम इसमें अभी 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मिला लें। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बहुत ही मज़े की बनता है ये। इस तरह से आप बनाएं बहुत ही ईजी है ये रेसिपी लेकिन इस तरह से आप बनाएं। और इस तरह से हम कोथमीर पुदीना ये ऐड करेंगे। नींबू का जूस 1 नींबू का रस हमने निकाल के रखा था ये हम ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ये हम इसमें डालेंगे। अच्छे इस तरह से
सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू गलने तक इसे पकने देंगे। अच्छे से देखिए, बस हमारे आलू गलने तक हम इसे पकने देंगे। कवर लगा लेंगे ताकि हमारा आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हमारा हम कवर लगा लेंगे, आलू गलने तक हम इसे पकने देंगे। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह से, देखिए आलू भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम गैस को करेंगे बंद। टमाटर गोश हमारा बन गया, बिल्कुल तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। टमाटर गोश बन के देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।